नमोस्तु गुरुदेव। पुरुष और प्रकृति का स्वरूप क्या होता है? यहाँ पुरुष का अर्थ आत्मा है और प्रकृति का मतलब स्वभाव। मनुष्य की आत्मा या प्राणी की आत्मा जब अपने स्वभाव में स्थिर होती है तो निर्विकार बनती है, और वही निर्विकारता उसके मोहों का शमन कर, मोहों का विनाश कर मोक्ष का आधार बनती है। तो अगर मुक्ति चाहिए तो हमें अपनी प्रकृति में स्थिर होने की जरूरत है। हमारी जो प्रकृति है वो सहज शांत केवल ज्ञाता दृष्टा रूप है, लेकिन मोहजन्य विकृति के कारण हमारे हृदय में राग द्वेष आदि के अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार हमारे स्वभाव को बिगाड़ते हैं और इससे हमारे संसार की वृद्धि होती है। तो हमें प्रकृति में जीना है, विकृति से बचना है।